कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस स्कीम को अप्रूव किया है। करीब 2 साल का डेलिब्रेशन रहा है अगर मैं मोटे तौर पे पकड़ूं, ऑल दो मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं रहा हूं इसमें टोटैलिटी में, पर 2 साल का करीब इसमें डिस्कशन हुआ है। इसमें हम लोग करीब 17.5 साल से 21 साल के जवान और लड़कियों को भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए लेंगे। इनको अग्निवीर कहा जाएगा। इनका एक स्पेशल पे पैकेज है जो कि डिसाइड हुआ है, और ये जब 4 साल इनके कंप्लीट हो जाएंगे तो इनको एक सेवा निधि पैकेज मिलेगा जो कि ऑल्सो आपको पता होगा। सो फ्रॉम ये बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रिक एक स्कीम है मेरे ख्याल से, और इसमें मेन एंड वुमेन दोनों इन्वॉल्व होंगे। और जैसे नेवल चीफ ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नेवी में महिलाएं भी ली जाएंगी। नाउ कितने नंबर आएंगे, कब आएंगे, इस सब डिटेल्स वर्कआउट किए जा रहे हैं नेवल हेडक्वार्टर्स के दौरान। सो जैसे भी होगा हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा आपको पता है इंडियन नेवी में महिलाएं जो हैं ऑफिसर काडर में हैं ऑलरेडी, जो कि शिप्स पे भी हैं कुछ। सो ऐसे जिस तरह से ये स्कीम रोल आउट हो रही है उसके हिसाब से हम लोग प्रिपेयर करेंगे कमांड में ट्रेनिंग के लिए, ऑपरेशनल एम्प्लॉयमेंट के लिए, और उनके रहने और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाएं हैं उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। आपने ये भी देखा सुना होगा टुडे, आज की ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने ट्वीट किया है कि इनकी एम्प्लॉयमेंट जो है अग्निवीर्स की आफ्टर 4 ईयर्स दे विल ऑल्सो बी गिवन प्रायोरिटी एंड प्राथमिकता दी जाएगी इनका एम्प्लॉयमेंट में CAPF में और असम राइफल्स में। और इसी तरह के और भी उम्मीद है फ्यूचर में, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल एजेंसीज भी इस तरह की। सो करीब 40,000 से 45,000 लोग पहले साल में, करीब 46,000 इज द करेक्ट फिगर, पहले साल में रिक्रूट होंगे और ये फिगर बढ़ेगा। एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है स्कीम में, एंड आई थिंक देर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट पीपल विद द आर्म फोर्सेस। और मुझे आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप किसी भी लड़के से पूछे किसी भी गांव में जाकर के भारत के, कि अगर वो भारत की सेना में नौकरी करना चाहेगा, तो आई थिंक जनरली द आंसर यस आता है। एंड ये एक अपॉर्चुनिटी जो कि प्रोवाइड की जा रही है सभी जवानों को और महिलाओं को जो कि फौज की ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इट्स नॉट लॉन्ग टर्म, नॉट अ लॉन्ग टर्म सिचुएशन, बट इट्स एन एक्सपीरियंस। दूसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि है कि यही एक सिंगल मेथडोलॉजी ऑफ रिक्रूटमेंट बचेगा, एक्सेप्ट फॉर स्पोर्ट्स एंट्री, म्यूजिशियंस। ओके, सो अगर किसी को फौज में ज्वाइन करना है तो सिर्फ यही एक रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग विच इज़ देयर। एंड जो लोग 2 लेवल पे एंट्री होगी, एक 10वीं पास है, एक 12वीं पास है। सो जो 10वीं पास वाली एंट्री होगी उनको 12वीं पास का सर्टिफिकेट मिलेगा बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट दे गेन एंड द करिकुलम दैट दे फॉलो। और जो 12वीं पास आएंगे उनका एक टेक्निकल इक्विवेलेंस वगैरह का एक प्रावधान रहेगा, उसके स्पेसिफिक काउंटर्स कैसे करेंगे हर सर्विस वाइज वो वर्कआउट होंगे। एंड डिटेल लेटर्स ऑन दिस रिगार्ड विल बी इशूड बाय नेवल हेडक्वार्टर्स। ऑफकोर्स इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूथफुल प्रोफाइल, सो लोग जो आएंगे 17.5 साल से 21 साल तक के आएंगे और 4 साल नौकरी करेंगे। एंड जो इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी वो ऑल इंडिया बेसिस पे होगी, ट्रांसपेरेंट होगी और एक रिगरस प्रोसेस होगी, तो उससे सबसे अच्छे लोग सेलेक्ट होके आएंगे। सो इससे बड़ा एडवांटेज है। और जब री एनरोलमेंट की बात आएगी तो 25% लोग री एनरोल होंगे, तो उससे एक और बेनिफिट है कि हमको जो पहले क्रीम मिल रहा था उससे अच्छा क्रीम मिलेगा। सो आई थिंक दिस अ बिग एडवांटेज। जो लोग नहीं री एनरोल हो पाएंगे वो देश में वापस पॉपुलेशन में आएंगे और उसके वो कई जगह और एम्प्लॉय हो सकते हैं। दे वुड कैरी द स्किल दैट दे हैव लर्नड इन द आर्म फोर्सेस, इन द नेवी स्पेसिफिकली। दे वुड कैरी द डिसिप्लिन, दे वुड कैरी द लीडरशिप। एंड फाइनेंशियल पैकेज के बारे में आप लोगों को ब्रीफ दिया गया है, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करूँगा। बट जो
एनरोलमेंट प्रोसेस है वो करीब 3 महीने के अंदर शुरू होगा. सो नोटिफिकेशन विल कम आउट एज सून एज पॉसिबल. आर एम इन द नेवी इज दैट वी शुड बी एबल टू एनरोल एंड हैव द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल टू ज्वाइन द नेवी इन लेस देन 6 मंथ्स. एंड इनकी ट्रेनिंग करीब एक मॉडिफाइड ट्रेनिंग है जिसको इवॉल्व किया गया है. अभी के दौरान में बेसिक ट्रेनिंग 16 हफ्ते की होगी, उसके बाद 2 हफ्ते की सी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिर 16 हफ्ते की ट्रेनिंग होगी. तो करीब 34 हफ्ते की ट्रेनिंग है. एंड बाकी इनको जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ और CSD फैसिलिटीज़ और ऑनर्स एंड अवार्ड्स वो सब मिलेंगे जैसा जितने दिन वो नौकरी करेंगे. सो इतना मेरी तरफ से, और अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको आंसर करने को तैयार हूँ. मेरी रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि आप क्वेश्चन जो है सिर्फ इसी स्कीम के ऊपर फोकस रखिएगा. ट्रेनिंग 16+2 वीक्स इज द बेसिक ट्रेनिंग एंड देर आफ्टर सम एम्प्लॉयबिलिटी, देन देर इज अनदर सेट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ 16 वीक्स. दिस इज द मॉडल एज ऑफ नाउ. बट अभी मतलब वी विल एज वी गो. एक चीज मैं और ये कहना चाहता हूँ कि ये स्कीम जो है चूंकि नई स्कीम है, एज वी गो अलॉन्ग वी विल कीप रिफाइनिंग द स्कीम. सो अगर ट्रेनिंग का मॉडल आज 16 हफ्ते और 2 हफ्ते का है, मे बी कल को वो 17 हफ्ते और 3 हफ्ते का हो सकता है. तो जैसे जैसे ज़रूरतें बढ़ेंगी वैसे वैसे इसको रिफाइन किया जाएगा. एंड जैसे आपको पता है कि नेवी एक टेक्निकल सर्विस है, काफ़ी टेक्निकलाइजेशन है, तो उसकी वजह से वी विल हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द नेवीज पर्सपेक्टिव. लेट मी ट्राई एंड आंसर दैट क्वेश्चन. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द नंबर्स हैव बीन डिसाइडेड. Which are the numbers which have been decided for the first 4 years itself? Okay. Now the numbers will finally keep increasing. The numbers will increase over a period of time based on what is the sanctioned strength of the Navy. So this is just so that see this scheme is new. We've got to adapt ourselves to this scheme, and therefore, if we look at it, that do we want to go with a very large number in the very beginning? No. We want to start step by step. And therefore, if you look at it, we are recruiting 3,000 people still every year. So that's not a small number. The Navy is going to recruit 3,000 per year. The Air Force is going to recruit 3,500 in the first year. And the Army is going to recruit about 40,000. So that's the numbers for the first year. And then as the service requirements is there, the numbers keep increasing. So while the Navy is the smallest of them all, so therefore, I don't foresee an issue that we will be able to catch up with our strengths, our sanction strength. Our sanction strength is not coming down. So the level of manning in the ships will still continue to be the same. Now, coming to the technicalization part of it. Now, let me put it that we have sailors, even today, when they join, they do a basic training. And then they go for a specialized training. Now, that specialized training invariably happens after 4 years. Okay. So, when this person gets, whosoever gets re-enrolled, he's the person, he's already done 4 years in the Navy. He's the one who's going, he or she will be the one who'll go for the same technical training. So, there is no loss of training as such, what is being perceived. And I wouldn't say that, some of us who've been aware of this process, we don't foresee a challenge. There will be challenges, there no doubt about it, when you bring in new systems. But this is a very transformational change which has gone, that today we are going to recruit 4 times, retain 25%, or re-recruit 25%, if I were to use the term.